गाइस ये प्रिंसी देखो कितने सारे गिफ्ट लेके जा रही है देने के लिए की याद आ रही तुम्हारा जी से नकर रहे इतने सारे गिफ्ट है कंजूस औरत गाइस ये बड़ी मुश्किल से पूरी रात सोचा इसने तब जाके गिफ्ट डिसाइड हुए बहुत बेचारी मतलब दुखी है आज कोई बात नहीं अपन दहेज लेके जा रहे हाउ तक दहेज लेके जा रहा हूँ जानी ने रोके चलो तीन घर जा रहे हैं ठीक है सो गाइस ये जा रही है प्रिंसी बहुत सारे गिफ्ट लेके प्रिंसी तुम्हें कैसा लग रहा गिफ्ट देने में अच्छा बुरा लग रहा सीधे बोलो अच्छा यही से देरी नहीं तो तुम ना देती गाइस पहले इसने कल के गिफ्ट देख लिया उसके बाद ही जा रही है देने गाइस ये देखिए सांभर बड़ा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है प्रिंसी भी वही लिए है हुए है और पेल रही है का प्रिंसी और का पोहा आ गया नाउ खा लो और गरम 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 पोहा आ चुका है दीज ऑल आर हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट आज का बहुत सही है अच्छा कल नहीं आ पाए थे सो गाइज आज एक नए कॉन्सेप्ट में वीडियो है सब कुछ रॉ है हम लोग कुछ एडिटिंग नहीं कर रहे बस इतना ही मैं वॉइस ओवर करूँगा और आप लोग समझिएगा ध्यान से देखिएगा ये उस टाइम की वीडियोस हैं जब शादी हो चुकी होती है और दूल्हा दुल्हन बैठे रहते हैं नाश्ते वास्ता मतलब सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं सब लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या कैसी शादी रही हो क्या कैसा रहा पूरे मतलब पूरी दो दिन का जो डिस्कशन होता है वो होता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ज़रूर मज़ा आएगा आप लोगों को अब राजन तुम्हें खजरा तो आओ जाओ लग ही रहे तुम हैं अरे सुन तो अरे ये नहीं बोला हूं आज को दे दो तू आ रही है कहीं जा रही है आ गया दिखा प्रिंसी अरे बार खुद ही आया अपने मन से बैठ के खड़े होके हमने कहीं बाबू को वाले के हमें जरूरत नहीं कोई से के हमें को ऊपर हम तो खुद चले गए नो आए डांस भी करे तो आओ खड़े होके भी बैठ के भी गाइस यहाँ राजन के दादाजी की बात हो रही है देते अब अपन वाले को ऐसा सीन इसकी शादी में मिलेगा दूल्हे बन के कमल चाचा की वजह से बच गए नहीं लगते बल्लू चाचा होते गाइज इधर बात हो रही है प्रिंसी के मौसी के लड़के की जिसका किराना स्टोर है तो सब लोग कह रहे हैं इसकी शादी किराना स्टोर से हो चुकी है और उस किराना स्टोर का नाम है पत्नी किराना स्टोर जो भी नहीं करता रोज वीडियो कॉल करे उसको पूरा दिन ही नहीं करता वीडियो कॉल में एक एक सही में मुस्कान आ गई तो आएंगे फिर अब गाइस यहाँ ब्लॉगिंग की बात हो रही है आधे से ज्यादा पता है आदमी का देखे देखे बड़ा है बढ़िया मजा जैसे ट्राई कोशिश भी करे तो मजा उड़ा तो मतलब बनत तो ठीक है उतने खत्म ही कर अरे इनसे लग रही है पीएचडी करे तो यहाँ सब प्रिंसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि वही जो ब्लॉगिंग में जिस तरीके से मैं प्रिंसी का मजाक उड़ाता हूँ उसी तरीके से अम्मा से समझा जब देखी प्रिंसी को नागिन डांस तो दोस्तों अब यहाँ दुल्हन की विदाई जो होती है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है हमने दो चार अच्छे देखे गरीब के थक जात के रोम नहीं आ रहा तुम बिल्कुल
यहाँ दुल्हन के साथ साथ रिश्तेदारों की भी विदाई हो रही है, तो सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए रो रहे हैं जो जिसको बहुत प्यार करते हैं। और गाइस यहाँ राजन की शेरवानी की बात हो रही थी, सब लोग कह रहे थे कि शेरवानी उतार दो, जादूगर जैसे लग रहा है एकदम, ठीक है। और उसको चिढ़ाने के लिए सब लोग कह रहे थे इस बच्चे को गायब करके दिखाओ, इस खरगोश को गायब करके दिखाओ, तुम जादूगर हो। तो गाइस शादी का समारोह हुआ समाप्त। और दूल्हे राजा कैसा लग रहा? झूठ बोल रही है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन चल रहा है। दूल्हा जादूगर लग रहा। हाँ देखो दूल्हा जादूगर, पग पग पगीला पग जादूगर करके देखा। जादूगर ये लड़का गायब करके देखा। तो सबको कैसा लगा शादी के फंक्शन में? बहुत मजा आया। जबरदस्त तुझे नहीं बोल रहे? पगड़ी ले आए जी, पगड़ी ले आए। ये देखो पगड़ी मेरी जादू वाली, खरगोश था एक भाग गया तो ये खरगोश गायब कर लेते हैं जादूगर, असली जादूगर। तो हम लोग गाइस ये आपसे झूठ बोल रहे थे, हम कोई शादी में नहीं आए थे, हम एक जादू के फंक्शन में आए थे। वहाँ हल्दी का फंक्शन हुआ, मेहंदी का फंक्शन हुआ, फिर शादी हुई और ये जादूगर बन गया। और एक खरगोश भी लेके आया था, वो गायब हो गया, नहीं तो वो भी दिखा था। अब वो वापस नहीं आ रहा, गायब करना आता था, बुलाना नहीं आता था। तो चलो चलते हैं, ऐसे ही हम लोग जादू के आपको प्रोग्राम दिखाते रहेंगे, है ना गाइस। ये प्रिंसी की पूरी फैमिली, हाथ हिला सब लोग। अब बाय हो रही, दी एंड, शादी सीजन दी एंड, दी एंड, जादूगर वाली शादी दी एंड। सो गाइस ये शाम को हम लोग एक अपने फ्रेंड की शादी में आए थे। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ठीक है, ये वही जगह है जहाँ ये लड़की मेरे पल्ले बंधी थी, क्यों है ना, और मैं तुम्हारे पल्ले। सो गाइस आज हम लोग यहाँ शादी में आए हैं, यहाँ किसी और की शादी हो रही है, जहाँ से हमारा महिला संगीत हुआ था वहीं से इनका रिसेप्शन भी हो रहा है। जहाँ से यहाँ महिला संगीत हुआ था हम लोगों का, वहीं से इनका रिसेप्शन हो रहा है। और प्रिंसी का ये लुक प्रिंसी दिखा रही है, ठीक है। और हम लोग ये देखिए गाइस प्रिंसी का लुक, कभी यहाँ दुल्हन बन के आई थी, आज सिंपल लुक एकदम करके आई है, क्यों। सो गाइस ये शादी का सीज़न चल रहा है और हम लोग बहुत सारी शादियां अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं दो शादी अटेंड करके आया हूं, ठीक है, और खा के एक शादी में आया हूं, दूसरी शादी में कुछ नहीं खाया, वहां सिर्फ जाके और ब्योहार लिखवा के आया। ब्योहार हम लोग यहां बोलते हैं, मतलब कुछ गिफ्ट देना, उसको हम लोग ब्योहार बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसी का टिन टिन बज रहा है, इसलिए उस साइड देख रही है, और गाइस इसको तैयार होने में मज़ा आता है, तो इसलिए इसको भी मुझे लगता है कि वेडिंग सीजन अच्छा लगता होगा। इज़ दैट ट्रू और नॉट? जी हाँ गाइस, आज मैं जबरदस्ती ले गया था क्योंकि मुझे अकेले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, है ना। यस। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर तो जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना अगर आप भूल रहे हैं तो अब मत भूलिए, कर दीजिए, क्यों प्रिंसी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।